हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर की रेसिपी। आज का जो सांभर है वो मैं बहुत बेसिक चीज़ों के साथ बनाने वाली हूँ। इसमें कोई नए वेजिटेबल्स या नए मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, तो आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखना। और अगर अच्छी लगे रेसिपी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में यहाँ पे मैं भिगोई हुई तुअर दाल ले रही हूँ। तुअर दाल को मैंने तकरीबन आधे घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब डाल देंगे इसमें प्याज, टमाटर और ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, सिर्फ प्याज और टमाटर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये 2 ग्लास जितना पानी। यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि कद्दू, आलू है, बैंगन है, लौकी है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बेसिक चीज़ों के साथ बना रही हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल डालने से जब इसमें सीटी लगती है तो दाल बाहर नहीं आती है, तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना, इससे आपका प्लेटफॉर्म भी जो है वो गंदा नहीं होता है। अब कुकर को बंद करके हम तकरीबन इसमें 6 से 7 सीटी लगाने देंगे। ये देखिए मेरी दाल उबल चुकी है। अब मैं ये कुकर ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं आई थी। तो हम इसे ऐसे हाथ से फेंट लेंगे। इसमें ब्लेंडर बिल्कुल नहीं चलाना है, इसमें ऐसे हाथ से ही इसे फेंट लेना है बीटर से। अब ये कुकर हटा के यहाँ पे मैं एक कढ़ाई चला रही हूँ। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता। इसके साथ डाल देंगे 2 रेड चिली। अब इसमें डालेंगे 1 करी पत्ता, ग्रीन चिली, और साथ ही में डाल देंगे 1 कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो ये तड़का लगाने के टाइम प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत क्विक मेथड से बना रही हूँ तो मैं इसमें ऐसे ही ये दाल डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये बहुत गाढ़ा है तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ। ये कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रखिए, अगर पतला चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी हुई है। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। हल्का सा उबाल आ जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले ये मिर्च पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सांभर मसाला। आप सांभर मसाला के जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे ये इमली का पानी। इमली का पानी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, मत डालिए। अब डाल देंगे नमक। अब इसमें उबाल आ जाने के बाद डालेंगे 1 चम्मच आमचूर मसाला। अगर आपने इमली का पानी नहीं यूज किया है तो आमचूर मसाला 2 चम्मच जितना यूज कर लीजिए तो भी चलेगा। इस मेथड से सांभर तकरीबन आधे घंटे में रेडी हो जाता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब उबल जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी। इसे मिक्स करके थोड़ी देर और दाल को उबलने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और साथ ही में ये धनिया पत्ता। तो यहाँ पे ये जो हमारा सांभर है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब हिला के गैस को बंद कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी ना भूलिएगा।